वेलकम टू माई न्यूज ब्लॉग। और आज का कोई वीडियो बनाने का प्लान ही नहीं था, अर्जेंट मुझे खबर लगी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो हम आज अर्जेंट को वीडियो बनाने का प्लान किए और निकल चुके। और बारिश हो भी रहा है, उसके बाद आप ये हालात देख रहे हैं, और ऐसे हालातों में मुझे बनाना पड़ा, फिर क्योंकि अर्जेंट प्लान हुआ तो जाके हम आज माहौल में आप पहुँच चुके। तो के माहौल के लिए सारे एरिया का थोड़ा सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो आइए चलते हैं। और यहाँ पानी का स्टार्टअप हो चुका है और सारे पहाड़ का पानी इसी रास्ते से आता है, हर साल यही हालत होती है। बारिश का मजा लेना यही है, शहर वाले मजा नहीं ले सकते लेकिन गांव वाले मजा लेते हैं। कभी कभी ये चीजें बहुत बुरी लगती है। और ये भजिया का मजा बारिश में और आता है, बहुत मुंबई का वसई इलाके का वसई इसका भोईदा पाड़ा में वागरान पाड़ा करके विकास सिटी छोटा सा चौल बसा हुआ है, हर साल पानी के लिए में ज़्यादा रहता है, लेकिन ठीक है लोग इंतजार करते हैं, कभी कभी थोड़ा सा नुकसान भी होता है। आप देख सकते हैं लोग की हालत क्या लग रही है, किस तक पानी भरा हुआ है, किसी चीज़ का जायजा लेने हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने आगे देखते हैं। विकास सिटी अच्छी है, इसके आगे नाला है, नाला के पास हम देखते हैं क्या हालात है, मतलब वो अंदर तो नहीं जाए, आधा बाजू गया पूरा। आगे नाला है, नाले का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, पानी आप देख सकते हो वहाँ पे कम से कम 6 फीट पानी है। ये नाला दिखाइए, और हम आपको स्थानीय लोगों से हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि रात को क्या हुआ यहाँ पे। आइए पूछते हैं, और रात को क्या पोजीशन रहा इधर का, रात को क्या पोजीशन रखी है, यहाँ तक आ गया और उसके बाद घर के अंदर तो नहीं गया, नहीं नहीं। और पुलिया वगैरह सब सुरक्षित है कि टूट गया? पुलिया वगैरह सब टूट के बैठ गया, पारा मिल गया, 1000 काम इतना काम इतना गया है। वो तो बात ही अलग है ना, लेकिन बोलिए। और रात को कहाँ तक पानी भरा था, यहाँ तक? और गांव से कभी आया? गांव से तो 2 महीने आया। 2 महीने हम जिस नाले की बात कर रहे हैं वहाँ पहुँच चुके हैं, अब आपको दिखाते हैं। इधर का रूम भी देखिए, टूटने के कगार पे है, दिखाइए सामने भी दिखाइए। देखिए जेपी भाई हैं, जेपी भाई दूध लेके लगभग 6 बजे से यहाँ खड़े हैं, तो सोने के लिए शाम से नहीं मिल रहा है इनको, क्योंकि पानी ओवरफ्लो होके ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है, इसलिए दूध लेके उसी तरफ फंसे हुए हैं। चलो अंदर, दूध का कारोबार है इनका। आज लगभग 3 घंटे से नाले को काजू फंसे हुए थे, हम लोग देखिए पता चला बारिश का थोड़ा कम हुआ, हम लोग आए और जो दूध का धंधा है इनका वो कहीं दूध बेकार ना हो जाए, लोग भी वहाँ पे अभी तक रुके हुए हैं, किसी सुबह से स्थानीय जो भी लोग हैं वहाँ पे इनके इधर से दूध लेते हैं, लेकिन बहुत ही नाले का बहाव देख सकते थे। आए हम लोग अभी दूध जा रहा है, सब लोग उधर से उधर से पानी तो होना चाहिए ना उसमें,
स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, अब किसान को बुलाना पड़ेगा। पानी बहुत सरकार के इसके अंदर चुकी थी, अब हम चलते हैं आगे, लेकिन मकान के पानी में टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग विकास सिटी और ये बीच के बीच का ये नज़ारा है। अब यहाँ से पानी पूरा फुल होकर जा रहा है, आइए आगे भी दिखाते हैं। देख सकते हैं आप, इतने नाला भर चुका है कि यहाँ रूम का डूबने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जितने साइड में रूम्स बने हैं उसको डूबने का चांसेस है या गिरने का चांसेस है, तो आइए देखते हैं। ये एक्चुअली पहाड़ था, इसके थोड़े से सारा जो है वो तालाब जैसा बन चुका है, इसकी वजह से थोड़ा सा गंभीर है यहाँ के लोगों को। आइए देखते गाइस, ये नाला का ब्रिज है और आप देख सकते हैं ये पब्लिक को आने जाने के लिए गाड़ियाँ भी आती जाती हैं। आप यहाँ का सीन देखिए, इस बहाव में कौन सीख सकता है, आप समझ सकते हैं इतना बहाव है पानी का और इतना स्पीड है, इतना प्रेशर है पानी का कि हम इसको कुछ बोल नहीं सकते कि भाई इसमें कुछ रुक सकता है। आइए बताइए, अगर इसमें इंसान अगर गिर जाएगा तो क्या वो बचने का संभावना है, कोई चांस नहीं है। आइए हम देख सकते हैं इस तरफ भी और कितना बहाव है पानी का, कितना प्रेशर है और प्रेशर क्या रहा है। बारिश भी बढ़ रहा है और बढ़ने का चांसेस लग रहा है मुझे यहीं तक है। और अगर आगे कुछ बहुत अच्छी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे इस वीडियो में, तो आगे का देखते हैं। अगर कुछ लगा हमें तो हम आगे आपको अगले वीडियो में देंगे। ओके, बाय बाय।